जिन्होंने सो सो कनाल जगह हड़प के बैठे हुए हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 25 लाख नए वोटर जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, क्यों? क्या जम्मू कश्मीर के अपने जो है मतदाता कम है? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इतना जान गई है कि जम्मू कश्मीर में उनको जो है आने वाले चुनावों में जो है वोट नहीं मिलेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जो सरकारी जमीनें हैं उनको खाली करवाया जा रहा है, आखिर किन अधिकारियों ने, किन पार्टी ने, किन सरकार ने उस वक्त ये लैंड इशू की थी या फिर किन लोगों को बसाया था? लेकिन अब लोग परेशान हैं। तो 70 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 50 साल अपनी जमीनें जो वहां पर खेतीबाड़ी की थी, लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर हैं अपने मुनाफे के लिए गरीब आदमी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए बैबर इकबाल है। बैबर इकबाल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जेके एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीब को दबाने का कार्य जो है आज जम्मू कश्मीर में कर रही है। डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में रह ही नहीं गई है। जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है उसका नाम दिया जाए वो अच्छा है कि डिक्टेटरशिप आज जम्मू कश्मीर में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे बैठे कई लीडरान जिनके बड़े बड़े बंगले कुछ पिछले दिनों चर्चाओं में थे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उन्हें छोड़कर पहले गरीब तबके के घरों को, जमीनों को हड़पना का कार्य जो सरकार आज कर रही है, जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों जम्मू में भी शुरू हुआ, वो रियासी तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये काला कानून जो हर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लोगों के आप सामने रख देती है, और जब से धारा 370 टूटी उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो जो हालात जो है दिन दुगनी रात तोगनी चौगनी तरक्की से बढ़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी। ऑर्डर जब जारी हुआ उसके बाद ऑल पार्टी जो थी एक इकट्ठी हो गई, लेकिन हमें ये बताएं कि गरीब आदमी को गुमराह किया जा रहा है या फिर वो लोग जो हैं अपना जो जमीनें बचाने के चक्कर में गरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, मैं यहाँ पे बड़ी ब्रीफ क्लेरिफिकेशन आपको देना चाहूंगा जी, बलवीर जी। जी, पहले तो ये देखना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाई गई, हमें कोई न्योता नहीं आया वहां से, वी हैव गॉट नो इनविटेशन फ्रॉम देम। आपने तो रिजाइन दे दिया था इसलिए, वो उससे पहले की बात है जी। उस रात को हमने जो है जिस दिन ये मीटिंग हुई है उस रात हमने इस्तीफा दिया है। हमें ये देखना चाहिए उसके अंदर कौन कौन लोग थे जो उस मीटिंग में आए। क्या वो रियासी के बड़े रसूखदार लोग थे? क्या वे उन लोगों में से तो नहीं थे जिनके पास ऑलरेडी 100-150 कनाल जगह वो है जो सरकार की उन्होंने हत्याई हुई है? सरकार को यह देखना चाहिए कि गरीब तबके को दबाने के बजाय जो रसूखदार लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कितनी कितनी सरकार की जगहें पुराने मंत्रियों के साथ मिल मिलकर, संतरियों के साथ मिल मिलकर हड़पी हुई है। उनको पहले जो है उनकी इंक्रोचमेंट करनी चाहिए। जो पुराने मंत्री रहे हुए हैं उनके नगरोटा में बड़े बड़े बंगले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बली भांति उससे वाकिफ है, बड़े बड़े बंगले, उनकी इंक्रोचमेंट करनी चाहिए, ना कि जो गरीब तबके को दबाने की कोशिश जो आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पीएमओ में बैठे हमारे मंत्री जी और जम्मू उनके त्रिवेणा नगर के दफ्तर में बैठे रविंद्र रैना जी कर रहे हैं। हमने पार्टी का नाम नहीं लिया है, ऑल पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं या फिर कोई भी नेता है, अगर उन्होंने 50 से ज्यादा जो जमीन है सरकारी अगर वो हड़प दी है और उन लोगों को गुमराह किया जाए जिनके पास एक कनाल जमीन है या जिन्होंने घर बनाया है, उनको भी साथ में लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी जमीन बचाने के चक्कर में जिन्होंने गिरा जी। मेरे छोटी सी बात में इसी का उत्तर था कि सरकार को पहले ये देखना चाहिए कि कितने रसूखदारों के पास सरकार की हथियाई हुई शुरुआत वहां से कर जमीन है। पहले अगर हमें गरीब आदमी के पास जिसके पास आधा कनाल जगह है जिसपे उसने एक छोटी सी एक जो अपनी रहन बसन बनाया हुआ है और वहां पे वो मक्की या कनक लगा के अपना पालन पोषण कर रहा है, सरकार अगर जाके उसका घर गिराएगी सबसे पहले, और जो 150-150, 170-100 जितने भी कनाल जमीनें जो है रसूखदारों के पास है वो उनको छोड़ दिया जाए, कि बड़े बड़े रसूखदार लोग जो है ना बलवीर जी, ये जो है काले अंधकार का बादल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, छतरी खोल रहे हैं कि इस छतरी के नीचे हम भी खड़े हो जाएंगे और गरीबों को बचाने, गरीबों का नाम लेकर जो है हमारी भी जमीनें बच जाएंगी। तो सरकार को जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं सबसे पहले उनका मुआयना करना चाहिए कि उनके पास कितनी जमीन है, उसके बाद गरीब तबके को दबाया जाए। पर
गरीब तबके को दबाया जा रहा है। जम्मू सिटी परेड के अंदर आप रातों रात जो है दुकानें पहुंचने तो तोड़ने पहुंच जाते हैं, बट बड़े बड़े रसूखदारों को आप हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके इलेक्शंस फंड करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के घर के वो पिट्ठू बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े रसूखदार है। सरकार को हर किसी आदमी को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, एक नजर से देखना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम सिर्फ गरीबों के घर गिराएं, गरीबों की जमीनें हड़पें, गरीबों के जो है दुकानें गिराई जाएं, पर हम रसूखदारों को छोड़ दें, ऐसा जो है हमें जो है ये बहुत नजायज है बलवीर जी। ये गरीब तबके को एक और मैं इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा जो मुझे पर्सनल लगता है, वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इतना जान गई है कि जम्मू कश्मीर में उनको जो है आने वाले चुनावों में जो है वोट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने लैंड रूल्स निकाले हैं, उसके अनुसार देखें तो कितना जम्मू का जानीपुर एरिया जाता है, न्यूप्लॉट एरिया जाता है, हमारे रियासी का बारादरी एरिया जाता है। क्या वो लोग पागल थे जिन्होंने एनसी की सरकार में सरकार को पैसे देकर जो जमीनें खरीदी? एनसी की सरकार ने कहा था, आप पुराने रिकॉर्ड निकालिए, एनसी की सरकार जब कांग्रेस के साथ कोलिजन में थी, उन्होंने कहा था जो गरीब लोग हैं जिनके पास वो जो पुश्तैनी जगह जो सरकारी है उन्होंने उनके पैसे पे कह रहे सरकार को, तब उनके नाम पे जगह हुई। आज तो वैसे ही देखा जाए जिन्होंने सौ सौ कनाल जगह हड़प के बैठे हुए हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनके पास 50 कनाल जगह जिन्होंने हड़प दी है, या फिर 100 कनाल जिन्होंने हड़प दी है? अब वो लोग जो गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने शुरुआत में ही कहा ये एक छतरी की तरह है कि गरीब को बचाने के साथ साथ अपने आप को भी छतरी दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को पहले रसूखदारों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, फिर गरीब जनता के ऊपर कार्रवाई। अगर मैं 200 कनाल जगह लेकर बैठा हूँ, मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहीं आप हैं जिसके पास 2 कनाल जगह है, आपका जो है घर रातों रात गिरा दिया जाता है, तो ये डेमोक्रेसी में ये तो नहीं चलता है ना। डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स हर किसी को दिए गए हैं, आप एक के राइट्स का हनन करते हैं, दूसरे को सिर पर उठा के बिठा देते हैं, ये नहीं चलेगा। 25 लाख नए वोटर जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, क्यों? क्या जम्मू कश्मीर के अपने जो है मतदाता कम है? क्यों 25 लाख मतदाताओं को जम्मू कश्मीर में लाने की आज जो है सरकार कोशिश? मैं पूरी चीज समझा रहा हूँ, ये सरकार यही इसलिए कर रही है कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। उन्हें पता है जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो आने वाले चुनावों में इनको जो है वोट नहीं देंगे, तो आगे पीछे से वो वोटर्स को जम्मू कश्मीर में शिफ्ट कर अपना वोट बैंक बढ़ाकर अपनी सरकार लाने की वो काली कोशिश कर रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर के आने वाले चुनावों में नहीं चलेगा। जी जी, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्योंकि अगर ये कानून नहीं लाया जाता, ऑर्डर नहीं निकाला जाता, तो हो सकता था कि और जितनी सरकारी जमीन है उसको लोग हड़पने का प्रयास करते, जिस प्रकार से उन्होंने कहा जो ओहदेदार लोग हैं या फिर नेता, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो गरीबों का सहारा लेकर बड़ी बड़ी जमीनें अपनी हड़प रहे हैं। जैसे आपने कहा ऑर्डर निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, और काम करने का एक तरीका होता है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर आपके सामने बैठा हूँ, वही मैं कहना चाहूंगा। मैं मिसाल देता हूँ चौधरी लाल सिंह जी की, आप भली बात याद है जब वो हेल्थ मिनिस्ट्री में थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर जब वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में आए उन्होंने जम्मू कश्मीर के सारे जंगलात को बंद करवा दिया, फेंसिंग करवा दी। वह एक तरीका है कि नपाई हुई कि कितनी फॉरेस्ट लैंड जम्मू कश्मीर के पास है। उनके काम की सराहना कर रहा हूं, मैं उनके काम की सराहना कर रहा हूं कि वह एक तरीका है, पर जिस तरीकाकरण के ऊपर सरकार आज की आ गई है, ये जम्मू कश्मीर में बैठी जो गवर्नर राज चल रहा है, जो काला कानून लाकर लोगों को दबाया जा रहा है, ये कोई काम करने का तरीका नहीं है और ना ही ये डेमोक्रेसी में चलता है। शुक्रिया मां से बातचीत करने के लिए। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।